आज मैं आप लोगों के साथ गोल्डन क्राउन बटन मशरूम जो कि इस तरह के डब्बे में आता है इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मशरूम के डब्बे को खोलकर मशरूम को निकाल लिया है। अब इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब सारे मशरूम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमने कढ़ाई में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा डाल देंगे, जीरा चटक जाए तो 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब हम इसमें सारे मशरूम के टुकड़ों को डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड चलाने के बाद इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मशरूम अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो ऑयल बचा है उसमें हम 2 चम्मच और ऑयल डालेंगे और साथ ही डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च। अब यहाँ हमने 3 मीडियम साइज के प्याज को काट कर ले लिया है। इसे भी थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे और फिर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो यहाँ हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और सबको अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाले और प्याज तेल छोड़ने लग गए हैं, तो हम इसमें फ्राई किए हुए मशरूम को डालकर थोड़ी देर तक पकाएंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे जिससे कि इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और फिर 2-3 मिनट चलाने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे ढककर लो फ्लेम में थोड़ी देर तक पकाएंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, तो हम इसमें 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और हमारी मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन